तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ डाटा एंट्री के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था कि डाटा एंट्री का काम कैसे होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि डाटा एंट्री का काम कैसे होता है और उसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें, जो लोग 10 पास कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं, उनके लिए कि कौन सा कोर्स करें कि डाटा एंट्री का काम इंडिया में भी और दुबई में भी और भी दूसरे कंट्री में आप काम कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि डाटा एंट्री के लिए कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, जो कि सबसे जो लोग डाटा एंट्री का काम नहीं किए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि डाटा एंट्री का काम कैसे होता है और उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो डाटा एंट्री का काम इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, आप सब भी लोग कर सकते हैं, जो लोग 10 पास कर चुके हैं वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में आपको जो बेसिक्स है उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा उससे एडवांस चाहिए, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड हो गया, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। और इसी में एक और सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो लोग आप अलग से कोर्स करें, अगर वो आप कोर्स कर लोगे तो आप लोग डाटा एंट्री में या फिर प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हो। आप लोग वो डाटा एंट्री का काम करना है तो आपको ये कोर्स करना चाहिए जो कि कंप्यूटर में है। अगर आपने एक्सेल का कोर्स किया है तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है एक्सेस। एक्सेस वो कंप्यूटर में ही होता है, वो फ्री में आप सीख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब से, या फिर अगर आप उसका कोर्स करते हो, एक प्रॉपर आप कोर्स करते हो तो आप अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हो, क्योंकि उसमें टोटल ऑप्शन दिया रहता है कि आप खुद से अपना प्रोग्राम बना सकते हो और भी बहुत सारे उसमें आप काम हो। जैसे आप लोग एक्सेल और पावर पॉइंट, एमएस वर्ड आप सीखते हो, वैसे ही आप लोग एक्सेल का कोर्स करें और उसका जो कोर्स है आप एक अलग से करें, या फिर ऑनलाइन आप सीख सकते हो यूट्यूब से भी, गूगल से भी, या फिर आप जहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। अगर वो आप एक्सेस सीखते हो तो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए आपको मालूम हो जाएगा, आप खुद से प्रोग्राम बना सकते हो और भी उसमें बहुत सारा काम कर सकते हो। उसमें एंट्री का काम करना है यहाँ दुबई में तो सबसे पहले आपको एक्सेस का जो कोर्स है वो पूरा करना होगा। अगर आप जो कंप्यूटर सेंटर में आप नहीं जा सकते हो तो आप लोग यूट्यूब पे आप सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में, आप 2-2.5 घंटे का कोर्स है, 1 घंटे का भी कोर्स है, तो आप लोग वहाँ पे सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप अपना टाइम दो वहाँ पे, और आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप उस पर ट्राई करो, वहाँ पे सीखो और वहाँ पे ट्राई करो। अगर आपने एक्सेस सीख लिया तो खुद का आप प्रोग्राम बना सकते हो और उसमें भी बहुत सारा एडवांस काम है जो कि आप कर सकते हो। आप डाटा एंट्री के अलावा भी बहुत सारा काम कर सकते हो उसमें, लेकिन अगर आपको डाटा एंट्री का काम करना है यहाँ पे दुबई में तो सबसे पहले आपको एक्सेस सीखना होगा और एक्सेल सीखना होगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको सीखना होगा, तभी आप डाटा एंट्री का यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो। ज़्यादा एडवांस आप कोर्स ना करें क्योंकि पैसा उसमें वेस्ट है, फ़ायदा नहीं है, उसका जॉब भी अभी जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन अगर डाटा एंट्री का जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हर मॉल में, शॉप में डाटा एंट्री का ज़रूरत है, जो भी सामान आया उसको एंटर करना है, जो भी दुकान का, मॉल का हो गया या कंपनी का हो गया, स्टोर हो गया, तो सबने डाटा एंट्री का जो है एक खुद आदमी रखा हुआ है जो कि डाटा एंट्री का काम करता है। बी एस सीख लो, अगर आप 10 के बाद आप अगर पढ़ाई करना नहीं चाहते हो और आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो डाटा एंट्री सबसे बेस्ट है, आप लोग कोर्स करो और डाटा एंट्री का जॉब कहीं पे भी मिल जाएगा, दुबई में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मॉल वगैरह, शॉप वगैरह बहुत सारा है। तो एक लाजमी डाटा एंट्री का आदमी चाहिए जो कि डाटा टोटल एंटर करे, बिल वगैरह निकाले, तो आपको डाटा एंट्री का काम यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये सब कोर्स आना चाहिए, और भी बहुत सारा कंपनी है जो खुद का प्रोग्राम बना कर रखती है, उसमें भी आपको काम करना आना चाहिए। तो अगर आपने एक्सेस पे काम किया हुआ है तो आप किसी भी प्रोग्राम में आप काम कर सकते हो, क्योंकि सेम प्रोग्राम होता है, कंपनी खुद का प्रोग्राम बनाए या फिर आपने एक्सेस में जो प्रोग्राम पे काम किया है वो सेम होता है, तो आप लोग कहीं पे भी काम कर सकते हो। सो ये रहा एक्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस,
और इसमें आप टेम्पलेट देख सकते हो, बहुत सारा टेम्पलेट है इसमें। इसमें आप टाइम कीपर का काम कर सकते हो और होम इन्वेस्टमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, आपको ईमेल या फैक्स वगैरह हो गया, बहुत सारा आपको कॉल ट्रैक और कस्टमर सर्विस का काम भी हो गया। तो इसमें आप अगर आपने ये अच्छे तरीके से आपने सीख लिया एक्सेस को, तो आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हो। और यह एक्सेस इसका अलग एक कोर्स होता है, या फिर आप यूट्यूब से आप फ्री में आप कोर्स सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में है। बहुत सारे यूट्यूबर इसके जो हैं वो फ्री में आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का जो कोर्स होता है वो आपको फ्री में बिल्कुल सिखाएंगे। सो इस कोर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आपने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट किया। आप ऑनलाइन, सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कोर्स को सीखो, यूट्यूब से आप सीख लो। तो अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको इसमें 3 से 4 काम आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें डाटा एंट्री का काम आ गया। सो अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया तो आप इसमें 3-4 काम आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आप लोग इस कोर्स को फटाफट सीखो और अप्लाई करो डाटा एंट्री के काम के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए। सिर्फ एक बार आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो। सो आप लोग इसमें अप्लाई करें और डाटा एंट्री के लिए अप्लाई करें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।